सच है तो दिखेगा। चर्चा के इस नए अंक में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। हम मौजूद हैं पाटुड़ विधानसभा क्षेत्र में और ये जो क्षेत्र है ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये ज़िला है जो सीधे तौर पर जो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ज़िला है उससे लगता है, लिहाजा यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो रहन सहन है, यहाँ की जो संस्कृति है वो पश्चिम बंगाल यानी कि ममता दीदी की जो सरकार है उससे बहुत प्रभावित है। यहाँ के लोग वहाँ बिल्कुल आसानी के साथ आना जाना करते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पाँचवें चरण में विधानसभा का चुनाव यहाँ पर होना है, लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बेहद ज़्यादा है, तपिश बेहद ज़्यादा है। हम मौजूद हैं यहाँ, कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं और चाय सुबह का समय है और चाय पर चर्चा ज़रूरी है और ये जानने और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है। यहाँ से जो प्रतिनिधि चुन कर गए हैं, सियासतदान जो चुन कर रांची में जाकर बैठते हैं, क्या उन लोगों ने यहाँ की समस्याओं को गंभीरता से लिया है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और स्थानीय लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं, ये बताइए कि पाकुड़ की समस्याओं के समाधान को लेकर क्या स्थानीय लोगों ने कभी जो आवाज़ उठाई उसकी आवाज़ रांची तक पहुंची है? नहीं पहुंची है रांची तक कोई भी आवाज़। स्थानीय लोगों ने बहुत सारी आवाज़, बहुत सारी अपनी कठिनाई को यहाँ प्रस्तुत किया नेता के सामने, लेकिन यहाँ की आवाज़ आज तक रांची नहीं पहुंची है। क्या लगता है जो यहाँ से जो प्रॉब्लम है जाने के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी भी समस्या नहीं है। या हम लोगों को डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, ये समस्या ही आज तक नहीं पहुंची है। तो मतलब आपके यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या आप मुर्शिदाबाद जाएंगे? जाना ही पड़ता है, मालदा जाना पड़ता है, बहरमपुर जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से जो लोग चुन कर गए, चुनाव जीत कर गए, उन लोगों ने कभी हल समाधान निकालने की कोशिश नहीं, कोई चेष्टा नहीं किया आज तक। आप बताइए सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगता है यहाँ मोटे तौर पर क्या समस्याएं हैं जिसका इस चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए? चुनाव में मुद्दा क्या बनाया यहाँ पर? कोई मतलब क्या कहेंगे, कोई योजना का कोई हिसाब नहीं है यहाँ, कोई सड़क वैसा नहीं है यहाँ, कोई ऐसा कोई मैंने नेता आज तक नहीं पहुँचा, कोई नेता किसी से पूछताछ नहीं किया, क्या जाना नहीं, समझा नहीं, बुझा नहीं, सिर्फ वोट के लिए ही लोग आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं रांची में, और क्या कह सकते हैं। आप ये बताइए केवल क्या जो चुनाव के समय सिर्फ वोट लेने के लिए ही नेता आते हैं या आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार भी है उनको? देखिए हम लोग तो आदिवासी है, आदिवासी है, हम लोग बीजेपी से बहुत डरते हैं, मैंने हम लोग बीजेपी मतलब हम लोग का जमीन जाएगा। भाजपा से डर मतलब क्या कारण है उसका, क्या आधार क्या है डरने का? डर है कि हम लोग का जमीन छीना जाता है, विस्थापित मतलब कि जैसे वहाँ अडानी वगैरह वहाँ जो लिया गुड्डा में, हम लोग बीजेपी से ही डरते हैं। किस बार क्या सोचा है, किस बुनियाद पर, किस आधार पर वोट करेंगे आप? यहाँ पर गठबंधन सरकार बने, आलम के आलम यहाँ पर विधायक बने, ये आपका मंतव्य हो सकता है। आप बताइए भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं, आप यहाँ नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर रोजगार के अवसर यहाँ पर हैं या फिर आपको रांची या फिर बंगाल जाना पड़ता है? देखिए रोजगार का अवसर तो गवर्नमेंट सेक्टर में अभी नहीं है, ठीक है। मैंने खुद 2017 में सीजीएल का एग्जाम दिया था, ठीक, सीजीएल 2017, अभी आपका 2019 हो गया, हम लोग का फाइनल रिजल्ट निकला है 15 नवंबर को, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि 2 से 2.5 साल लग रहा है जबकि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करने में। हमने सुना है कि पूरे जिला में सिर्फ एकमात्र डिग्री कॉलेज है, उसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हाँ हाँ, डिग्री कॉलेज में देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मान लिया जो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग है वो बाहर जाके ही पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट का वैसा व्यवस्था नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैसा पढ़ाई हो, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता है कि यहाँ पे। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है उसमें क्या नौजवानों के बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो राजनेता उठा रहे हैं या फिर वही जो हर बार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है वही हो रही है? हाँ अभी तो देखिए बेरोजगारी का मुद्दा तो नहीं उठता है, ठीक है, बस आरोप प्रत्यारोप लगता है कि इसने ये काम नहीं किया, हिस्ट्री में वैसा नहीं हुआ इसलिए ऐसा हाल हो रहा है। वर्तमान की बात कोई नहीं करता, जनता की बात कोई नहीं करता? जनता की बात देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो जानते हैं कि पब्लिकली ओपिनियन देना भी आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है, आप कुछ बोलिएगा तो लोग उधर से बोलेंगे कि डर भय है कि अगर आम आदमी कुछ बोलता है तो उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। हाँ कार्रवाई की बात नहीं है, लेकिन
कार्रवाई भी होती है, जैसे आप डायरेक्टली किसी को टारगेट कीजिएगा, मान लिया ट्विटर में फेसबुक में, तो आपके ऊपर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा नहीं अभी, ठीक है। ये एक गंभीर विषय है, जब पाकुड़ जैसे शहर में इस विधानसभा क्षेत्र में लोग ये मानते हैं, कहते हैं कि आप अगर सोशल साइट्स पर भी कुछ लिखते हैं तो उसके बुनियाद पर भी आप पर कार्रवाई हो सकती है, कहीं ना कहीं आप घेरे में आ सकते हैं। ऐसे में कहीं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको बोलने की आज़ादी उसका अधिकार कहते हैं, वो अगर स्टेक में आ जाए तो मुश्किल होना लाजमी है। आप सर बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो दल हैं वो कहीं ना डराते हैं, धमकाते हैं, और कहीं ना कहीं ये होता है कि जो जनता के मुद्दे उससे हट करके ऐसे भी इश्यू उठाते हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखिए हम तो बोले ना, हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी विस्थापित से बहुत डरते हैं, विस्थापन से। यहाँ एक ही मुद्दा आदिवासी लोग का, और इसके बाद जो रोजगार तो झारखंड सरकार की है, वो तो वैकेंसी निकालेंगे तभी ना हमको रोजगार मिलेगा। यहाँ तो सभी आदमी दो दो बार करके एमए किया है, कोई कोई तो दो दो बार डबल एमए किया है, डबल पीजी किया है, उसके बाद उसका हल कुछ हुआ है, मतलब रोजगार के अवसर मिले, प्राइवेट नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ा? पीजी तो जो बीएड करके एमए करना होगा तभी ना, तो इसके बाद एमए करके तो प्लस टू का टीचर निकलेगा तभी ना, या क्षेत्रीय भाषा का जो संथाली का, यहाँ 20 साल हो गया यहाँ बहाली नहीं हुआ है। आज कुछ भी बहाली होता है तो खाली झारखंड का, तो बहाली नहीं होता है, खाली बाहर के लोग आकर यहाँ के रोजगार पर हावी हो जाते हैं। बाहर का तो एकदम हावी है 100%, लोकल के आदमी को नौकरी नहीं मिलता है। और यहाँ आदिवासी लोग को बोल रहा था मैंने कि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, ठीक है, उनको बहुत जल्दी, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी गुमराह किया जा सकता है, ठीक है। तो उस विषय में बात है कि आदिवासी नेता लोग भी उतने हम लोग के एक्टिव नहीं हैं, उतने कनेक्टेड नहीं है यहाँ के लोगों से, तो इसलिए यहाँ के आदिवासियों को थोड़ा डर लगता है, ठीक है, कि कब उनका ज़मीन छीन जाए, कब उनसे उनका राइट्स छीना जाए, यही सब डर रहता है। पहले इस तरह घटनाएं हुई हैं जिसके बुनियाद पर ये डर है, ये भय है? घटनाएं देखिए होती रहती है, ठीक है, मान लिया जहाँ अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ के लोग फिर भी थोड़े आदिवासी लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो वो थोड़ा जानते हैं अपना राइट्स को, लेकिन गाँव देहात में होता है तो बहुत जगह ऐसा होता है। आप बताइए भाई साहब, यहीं के रहने वाले लगते हैं, क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए जिससे जनता अपने आप को जोड़ सके, लिंक कर सके? देखिए मुद्दा तो बहुत लोग, नेता लोग लाते हैं, पब्लिक लोग लाते हैं, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार मोदी जी इतना अच्छा अच्छा मतलब कि गरीबों का सपना को पूरा किया है। जैसे कि पहले स्वच्छ के लिए बाहर लोग जाते थे, मैदान की ओर जाते थे, घर की महिला औरतें सब जाती थी, उनके लिए आपका शौचालय का व्यवस्था जो 12,000 रुपये के प्रत्येक गरीब लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट दिए कोई बिना कोई दलाल के, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था किया है। आप हर बस्ती में जाइएगा तो 2-3 बस्ती मिलाकर एक एक शौचालय है 10 सीटर का, इतना अच्छा व्यवस्था है। ऊपर से जितने भी गरीब लोग जो दाय के काम करते थे, रिश्का वाले, वैन वाले, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम लोग पक्का छत के नीचे रहेंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिला है और उसके बुनियाद पर उनको वोट मिलेगा, लेकिन जो पाकुड़ की जो आम समस्या है, यहाँ बेरोजगारी है, अशिक्षा है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा नहीं किया गया है, उस पर कोई बात करेगा कि नहीं? देखिए धीरे धीरे बेरोजगारी वैकेंसी निकल रहे हैं, जैसे कि हाल ही में दरोगा का बहाली हुआ है, 2300-2400 दरोगा एक मुफ्त बहाल किए हैं सरकार, और इतना फ्रेश बहाली, ना कोई उसमें छल कपट, इतना गरीब लोग को नौकरी दरोगा में मिला है जो आज तक कभी स्वप्न में भी नहीं। हमारे सामने जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि डबल एमए कर लिया, पीजी कर लिया, उसके बाद रोजगार नहीं है, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वैसा है, धीरे धीरे रोजगार का सृजन होगा, धीरे धीरे सबका ही रोजगार मिलेगा। आप बताइए भाई साहब, आप पढ़े लिखे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, ये क्या, यहाँ पर क्या समस्याएं हैं जिसका हल होना चाहिए? पाकुड़ देखिए बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, न सिर्फ झारखंड में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में, उसके ये कहीं ना कहीं कलंक की तरह है, इस पर इससे बाहर निकलना है पाकुड़ के लोगों को, इस पाकुड़ को कहीं ना मेन स्ट्रीम में लाना है, उसके लिए आम लोगों को बोलना बेहद ज़रूरी है, वो अपनी बातों को रखना ज़रूरी है। जो नेता हैं वो सिर्फ छल कपट की राजनीति अभी कर रहे हैं, ऐसी हालत में आम लोग अगर अपने बात को मुखर तरीके से नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन होगा। बोलिए क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ बेरोजगारी है, और प्लस आपका यहाँ का जितना भी आदिवासी वगैरह है सब यहाँ से पलायन करके आपका बंगाल जाता है, यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। रहाबाद जैसे कोई ऐसा फैक्ट्री वगैरह हो जैसे कि 10,000-5,000 लोगों को रोजगार मिले, ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे पैनम था तो पैनम भी बंद पड़ा हुआ है 4-5 साल से, और प्लस क्रासर वगैरह भी तो ठप है, तो जाएगा तो जाएगा कहाँ? मैंने सुना है कि बीड़ी उद्योग की बात कर ले या क्रशर उद्योग की बात कर ले, वो बहुत बुरी हालत में है, जो रोजगार का मुख्य स्रोत हुआ करता था यहाँ। वो तो ठप पड़ा हुआ, वो भी तो वही हाल है जैसा,
जैसा कोयला और पत्थर का हाल है वैसा अभी बीड़ी का भी हाल है, वही सब वही हाल है अभी। अभी मतलब पाकुड़ का स्थिति बहुत गंभीर है। आप क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं, रोजगार करते हैं? रोजगार करते हैं जी, मेरा दुकान है हटिया में। तो आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद दुकान खोल लिए, आपको लगा कि सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है इसके वजह से? तो मेरा कुछ मजबूरी था, इसी वजह से हम नौकरी बिजनेस में आ गए अपना। और प्लस क्या बोलता है, अभी तो देख ही रहे हैं जो ग्रेजुएशन करके तो आदमी भटक रहा है इधर उधर, तो वही हाल है यहाँ का। तो अब हम भी वही सोचे कि अब हम जो बताइए, जब 20 तारीख को वोट डालने के लिए जाएंगे पाकुड़ के लिए, तो क्या मुद्दे होंगे आपके जहन में जिसके आधार पर वोट करेंगे और जिसका चयन करेंगे आप? जो मुद्दा होगा कि जैसे कि पाकुड़ का विकास हो और जैसे कि स्वास्थ्य बढ़िया हो, यहाँ का पानी हो, बिजली सब सही हो यहाँ का, वही मुद्दा और क्या। और प्लस यहाँ से तो 5 साल से तो वही हाल है, कोई भी मतलब विकास हुआ ही नहीं यहाँ का। तो आपको क्या लगता है जो विकास नहीं हुआ है उसके लिए राज्य सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार है या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार है? कुछ स्थानीय भी है और कुछ राज्य का भी है बस। आपको क्या लग रहा है सर, चूंकि अभी बातचीत हो रही थी, विकास के मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे या फिर भावना में बह करके कहीं ना कहीं अपने इमोशनल अटैचमेंट के आधार पर वोट करेंगे? विकास देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, सड़कें बनी है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, उसके बाद गरीबों को गैस दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सरकार कर रही है ना वो कम्युनल आधार पर बहुत ज़्यादा बांट रही है देश की जनता को, लोगों को कहीं ना कहीं बांटने की राजनीति हो रही है, उसके आधार पर सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है। जी, जैसे अभी आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, तो वैसे लग रहा है ये जो कैब है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिक संशोधन बिल जो है, इसका कुछ इस चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, आधार रहेगा? मुझे तो लग रहा है प्रभाव पड़ेगा 100% में, आपको लगभग 30-40% प्रभाव तो पड़ेगा इस पर। अच्छा, सरकार के इस कदम को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि रोजगार अभी जरूरी था या नागरिकता संशोधन विधेयक यानी बिल जो लाना था वो जरूरी था? देखिए, सरकार तो अभी जो केंद्रीय सरकार है उनका तो अभी कार्यकाल शुरू ही हुआ है, ठीक है, तो उनको अभी पहले देश को मजबूत करना चाहता है रोजगार के आधार पर। अभी जैसा आपका आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, तो उस आधार पर देश को पहले मजबूत करना था, बाकी ये सब चीज़ मान लिया उनको करना होता तो बाद में वो कर सकते थे। तो अभी जो सेक्युलरिज्म का जो फैब्रिक है इंडिया का, वो वही खराब हो गई है अभी। जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना था, जो लोग मिलजुल कर रहते थे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, और इसका लाभ उन लोगों को हुआ है जो सत्ता में बैठना चाहते हैं। जी, आप दीदी कुछ बोलना चाहेंगी, आप चूँकि यहीं के रहने वाली हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत अहम इशू है, इस चुनाव में क्या वो मुद्दा बन पाया है? मुद्दा हमको तो नहीं लगता कि मुद्दा उठा है अभी तक, अभी हाल फिलहाल में इतना हैदराबाद को जो घटना घटा है, फिर भी मतलब पीपल आर नॉट अवेयर, और बोला जाए तो जैसे उसके बाद भी घटनाएं घट रही, जैसे रांची में भी घटा, एक 12 साल की बच्ची, आपको पता है एक 12 साल की बच्ची, तो हम लोग को विमेन को सिक्योरिटी चाहिए फर्स्ट, कि अगर हम लोग हाँ मेल कंट्री रहो ना, एक है कि देश पहले, लोकतंत्र को मजबूती जरूरी। क्या लग रहा है, जो भी पार्टियां हैं जो भी चुनाव में जा रही हैं, क्या महिलाओं के अलावा जो पाकुड़ के जो मूल मुद्दे हैं उसको लेकर क्या उनको समाधान करना चाहते हैं, या फिर वही आरोप प्रत्यारोप ब्लेम की राजनीति और तुच्छ राजनीति, कहते हैं छोटी राजनीति कहते हैं, जब तो जो अब तक ट्रेंड चलता आ रहा है, क्या होता है ना वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति जिसको कहते हैं, उस पर बात हो रही है? नहीं, नहीं लगता। यहाँ पर क्या लगता है, मूल मुद्दे क्या हैं, मूल समस्याएं क्या हैं या प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकुड़ में? प्रॉब्लम्स फर्स्ट कॉलेज, जैसे अभी बीकॉम या एमकॉम के लिए, हम खुद एमकॉम किए हुए तो रांची से करना पड़ा, लेकिन बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग कर दिया जाए तो टीचर्स अपॉइंटमेंट या वैकेंसीज या क्लासेस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब अगर बढ़ाया जाए तो लोग बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। मेन तो सभी का मेन तो नारा है कि शिक्षा, अगर वही मजबूत किया जाए तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। इसके बाद क्या पीजी करना अगर कोई छात्र या छात्रा चाहे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर है इस जिले में? व्यवस्था है, जिले के लिए सिर्फ एकमात्र डिग्री कॉलेज, उससे तो हल नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारा वोकेशनल कोर्स होता है, उसमें भी होना चाहिए, मेन तो एजुकेशन ही है। पढ़ी लिखी है, पढ़ाई कर भी रही है, आपको क्या लगता है पाकुड़ जितना पिछड़ गया, बैकवर्ड रह गया, उसके लिए कौन मतलब रिस्पॉन्सिबल है, स्थानीय जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव वो है, रांची में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं? सभी लोग हैं, अगर हर एक लोग अपना काम अच्छे से करे, जो अभी का जनरेशन में अगर देखा जाए तो यंग जनरेशन,
लोग गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो लोग अपना दायित्व नहीं नहीं समझ रहे, और प्लस उन लोगों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, तो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या लगता है कि अभी यूथ चाहे तो अपने उसके पास वोट देने का अधिकार है, अवेयर है, पढ़ा लिखा है, वो क्या जागरूक है, वो लगता है अपने वोटिंग राइट्स को लेकर के, इन चीज़ों के समस्याओं के समाधान को लेकर जागरूक है, या उसे और जागरूक होने की ज़रूरत है? और जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी जो है ना, अभी न्यूज़ का सोर्स व्हाट्सएप बन गया है, ठीक है, तो व्हाट्सएप में लोग क्या करते हैं ना कि सब न्यूज़ मोबाइल में ही देखते हैं वो लोग, ठीक है, और सेलेक्टेड चैनल से प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपना, तो वैसे में जो यूथ्स हैं वो उतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, वो असलियत नहीं जान पाते हैं, उनको सब तरफ का राय दिखना चाहिए, वो सिर्फ एक तरफ से ही वो दिखते हैं, एक ही एंगल से सब। ये बोल रही थी कि जिस तरह महिलाओं के साथ हाल में जो घटनाएं घटी हैं उसके बाद लगता है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है ताकि इसको रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी एक्शन तुरंत रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कुछ भी चीज़ को पहले थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और स्ट्रिक्ट लॉ तो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोग डरे, लॉ से ही सब कुछ होता है, अगर लॉ ही बिगड़ जाए तो हम लोग को कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगर जैसे हैदराबाद के कांड के बाद पहले निर्भया केस हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी भी रेप की घटना घट रही है, ये तो बहुत शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, और लोगों को बोला जाता है सबसे पहले हमें अपने घर में ही सभी को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि पेरेंट्स लोग शिक्षा नहीं देते, पर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इसी की वजह से। तो ये सुना आपने पाकुड़ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो सम्मानित जनता है उनकी राय है, और भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो स्थानीय लोगों से बात करेंगे। स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, हम बात कर रहे हैं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की, और स्थानीय लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जिस तरह अभी तक जो बातें छन कर आई हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं उनके क्रियाकलापों से, उनके कामकाज से स्थानीय जनता खुश नहीं है। ये किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक प्रतिनिधि के लिए बात नहीं है, आमतौर पर जो भी लोग यहाँ से चुन कर गए हैं उससे नाराजगी है। साथ ही जो इग्नोरेंस हुआ है स्थानीय मुद्दों को लेकर के, जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट में जो कमी रही है उसकी नाराजगी है। न सिर्फ स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, बल्कि जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसका भी समाधान नहीं हुआ है, लिहाजा आम लोगों में गुस्सा है, और कहीं ना कहीं इस बार जो 20 तारीख को वोट पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर पड़ेंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़े। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग स्थानीय हैं, यहाँ पर 20 तारीख को वोट देने के लिए जाना है, क्या सोचा है, किस आधार पर वोट करेंगे? वोट क्या, वोट देना है, आना है, तो कौन जीते कौन नहीं, हम लोग क्या जीत हार के नहीं, मतलब स्थानीय मुद्दों को अहमियत दीजिएगा कि हमारे पास भाई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली, क्या वो मुद्दे रहेंगे? यहाँ पे कोई वो सब मुद्दा नहीं है, क्या मुद्दा? जो जीतता है अपना अपना तिजोरी भरता है। अच्छा, बस आप जब वोट देने जाएंगे आप क्या सोचेंगे, किनको जिताना है? नोटा ही सही है। अच्छा, क्या लग रहा है जो चुन के जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं जनता का? नहीं, नहीं कर रहे हैं, नोट और से देके ही बदला लेना, विकास नहीं है पाकुड़ में, ऐसा कोई एक बार आता है इलेक्शन के समय में बोलता है, वादा करता है, जाके घर में सूत जाता है जीतने के बाद। वोट देने का अधिकार है तो उसका अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और वैसे लोग चुन कर आएंगे जो आपको पसंद नहीं है ना, सरकारी वोट है ना, नोटा उसी में दिया जाएगा, ठीक रहेगा। हर बार तो वही लोग जीत रहे हैं, हर बार वही लोग जीत रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नोटा नोटा नोटा। क्या लगा नोटा देने से जो हमारे जनप्रतिनिधि है उसमें सुधार होगा, उनको कुछ मैसेज मिलेगा? आज जो हमारे यहाँ विधानसभा के लिए जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, ये सारे चुनाव लड़े हैं हुए भी हैं, आज जीते हुए भी, विकास नहीं है। सेंट्रल से जो काम हुआ है मोदी सरकार ठीक है, मतलब जो राज्य रघुवर सरकार हो या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हो वो पाकुड़ की जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। हाँ ये तो यहाँ विकास नहीं हुआ है, रघुवर सरकार को भी दोष नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं जो सेंट्रल से जो है जैसे कि लोगों को घर मिला है ये सही है, हमारा झारखंड के अंदर रोड का जाल बिछा हुआ है ये भी बात सही है, हमारा जो ये इलाका है यहाँ पर जो है रोड एक सपना था वो साकार हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि सेंट्रल की तरफ से अच्छा काम हुआ है। और बीजेपी मानते हैं कि जो दिल्ली की सरकार वो बेहतर काम कर रही है, राज्य सरकार को और काम मिलकर करना चाहिए? दिल्ली की सरकार बहुत अच्छी है, वो लोग ठीक है, सब उधर देखिए सब चीज़ मिलता है, सुविधा है, जनता का सेवा कर रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई बात नहीं। गरीबों को गैस घर ये सब मिला है,
ये इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। यहाँ देखा गरीबी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, उसका समाधान अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ की जनता क्या करेगी? इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। आप नोटा में देंगे तो उससे तो संदेश लेने वाले हैं नहीं हमारे नेता? एक संदेश है, ये भी एक संदेश है सरकार को। फिर वैसे लोग चुनकर आ जाएंगे जिनको आप पसंद नहीं करते? कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट उतना जो है दमदार कैंडिडेट नहीं है। ये है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उससे नाराजगी है, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं, क्या लगता है पाकुड़ को अब तक छला गया है जो विकास के पैमाने पर जो पीछे छूट गया है, उसमें और काम करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल है इसके? मेरा मानना है कि नेता के साथ साथ जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत थी, लेकिन लोग अभी तक लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अब लोग जागरूक हो। किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है, मतलब नेताओं के चयन में लेकर, अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, अपने कर्तव्य अधिकारों को लेकर? नेता को चयन में लोग थोड़ा सा, जैसे आपका महेशपुर विधानसभा क्षेत्र है, हमको नहीं लगता है कि वो विधानसभा क्षेत्र पूरे झारखंड राज्य के लिए एक सबक की चीज़ है। वहाँ प्रत्येक विधानसभा इलेक्शन में वहाँ विधायकों को बदला जाता है, जबकि यहाँ पर आपका पाकुड़ विधानसभा हो, आपका लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार विधानसभा क्षेत्र में भी लिट्टीपाड़ा में आपका जेएमएम की लगातार। मानते हैं कि हर बार बदलाव जरूरी है, नया चेहरा लाएं तभी विकास होगा, रिपीट करने से, बार बार लाने से वो लोग ये मान लेते हैं कि जनता हमें ही चुनेगी। रिपीट करने की, जब विकास, जब क्षेत्र में विकास होती है तो रिपीट करने की ज़रूरत होती है, जब देख रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो जरूर हमको लगता है कि बदलना चाहिए। आपको लगता है कि बार बार एक ही नेता को चुनना, एक ही पार्टी को चुनना बेहतर है विकास के लिए? जी सॉरी, आप बताइए कि लगता है कि मतलब एक ही दल को, एक ही पार्टी को बार बार मौका देना या दूसरे चेहरे को मौका देना कौन सा बेहतर ऑप्शन है? देखिए, जो पार्टी मान लिया पावर में है, अगर वो काम करती है तो फिर दूसरे पार्टी को लोग चुनेंगे क्यों, लेकिन वो अगर काम नहीं करती है तो फिर देखना तो पड़ेगा। आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव है पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा? इस बार विकास के मुद्दे पर पड़ेगा, लेकिन पाकुड़ विधानसभा में उतना विकास नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर दो तीन मोटे तौर पर समस्याएं अगर सुनना चाहें तो कौन सी आपको नज़र में है जिनका समाधान तत्काल ज़रूरी है? रोजगार यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, पत्थर है, अभी कोयला अभी सरकार ने स्टार्ट किया है, तो अभी जो है कुछ मार्केट में रौनक आया हुआ है, पाकुड़ में दिखाई दे रहा है रौनक। उद्योगों की बात करें, कल कारखानों की बात करें, उसका क्या स्कोप है यहाँ पर, उस दिशा में कभी काम हुआ है? पत्थर का जो व्यवसाय था बंद था, अभी बीड़ी उद्योग सुना बिल्कुल तरह चौपट हो चुका है। बीड़ी उद्योग भी है यहाँ पर, बीड़ी उद्योग है। और क्या नए उद्योगों पर काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह समय बदला, लोग बदले, ज़रूरत बदली, उसके हिसाब से पाकुड़ में और परिवर्तन की ज़रूरत है, नए उद्योगों को लाने की ज़रूरत है? नए उद्योगों को लाने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल पुराने उद्योगों को बंद कर दिया गया तो नए उद्योग को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। जब पुराने उद्योग में लोग को रोज़गार नहीं मिला तो नए उद्योग की क्या गारंटी है कि रोज़गार मिलेगी? तो आपने सुना कि जो पाकुड़ की जनता है वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लंबी चौड़ी शिकायत की लिस्ट फहरिस्त लेकर बैठी हुई है, लिहाजा उन जनप्रतिनिधियों तक अगर ये बातें पहुंच रही हैं तो उन तक ये बेहतर एक मौका है कि अपने क्रियाकलाप में, अपने आचरण में, अपने कार्य व्यवहार में बेहतर सुधार करें और स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि जब ये 20 दिसंबर को वोट देने जाएँ तो वो काम के आधार पर वोट करें और 23 दिसंबर को जो रिजल्ट आए तो एक बेहतर जनप्रतिनिधि से चुन कर जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।